हेलो। देखो बच्चों, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था, तो मैं एक एक कंसेप्ट को समझाता हुआ जाता हूँ और फिर क्वेश्चंस को करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो हमने एडमिशन में क्या स्टार्ट कर दिया, हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसके अंदर जो पहला केस है वो क्या क्या था, केस फर्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर या फिर इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड रिटेन्ड इन हिज बिजनेस एंड रिटेन्ड इन बिजनेस या पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है और साथ में वो क्या कर रहा है, बिजनेस में उस पैसे को रख भी दे रहा है, निकाल के नहीं लेके जा रहा। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली बात, तो छोटी सी बात समझाता हूँ, कोई भी नया पार्टनर आएगा तो उसको कंपलसरी क्या लाना पड़ेगा चिराग? न्यू तो पैसा पार्टनर लाना पड़ेगा गुडविल के लिए या तो एसेट लाना पड़ेगा। नहीं, न्यू पार्टनर हैव टू ब्रिंग कैपिटल, उसको कैपिटल लानी ही पड़ेगी। तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्लियर? तूने तो मैंने गलत काम बोला था, बोला एसेट लेके आनी पड़ती एसेट तो बोला था और वो कैपिटल भी तो बोला था, वो पैसा। है। अच्छा, वो सुना नहीं थी मैंने। कैपिटल और एसेट तो इसलिए क्योंकि आपने जब कहा था कि कुछ लाएगा तो एसेट में राइट गेन हो मिलेगा जाए उसको। फर्म को। अच्छा हाँ तो काइंड है वो, तो हमने क्या बोला, कैपिटल तो लानी पड़ेगी। दूसरी बात, गुडविल जब लेके आएगा उसकी एंट्री क्या उसके पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये गुडविल किस में बढ़ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये है तुम्हारा फर्स्ट केस की जनरल एंट्री। तो ये दो एंट्रियां होती है गुडविल के लिए, कि कितना पैसा गुडविल का लाएगा और जो गुडविल का लाएगा वो किस में बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग में बढ़ जाएगा। हाँ बेटा बोल, क्या कह रहा है, नोट कर लो, नोट। नोट कर ले, करना है जल्दी कर, भविष्य का नेट नहीं चल रहा मेरे ख्याल से। ये नोट नहीं करता पिछली क्लास में, ये तो अभी लिखवाया आपने, जस्ट पिछली अब ये पिछली क्लास में का टॉपिक है ये। क्लास। अच्छा ठीक है, भविष्य क्या हो गया था, नेट नहीं चल रहा क्या, रुक लीव जा कर दिया यार। मैं। नहीं आया, ज्वाइनिंग हो रहा, रुक जा। तो देख बेटा, इसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस टू 2:5, दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। हमने बोला तेरे को एक ही कंडीशन में हम एंट्री देंगे, अगर तू 14,000 पे ही गुडविल लेके आएगा, और वो जो गुडविल होगी वो गोल्ड और सिल्वर में बट जाएगी। हमने कहा ठीक है, कॉपर का फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस शेयर रेशियो क्या है, 1/4, तो कॉपर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और गुडविल का अमाउंट कितना कॉपर लाएगा और गोल्ड सिल्वर को मिलेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर ओल्ड रेशो क्या है, 2:5। मैंने यहां पर क्या निकाल लिया, लेट द टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर क्या बच गया, 1 - 1/4, दैट मीन्स 3/4। यहां पर गोल्ड न्यू शेयर क्या बना, 2/7 × 3/4, और सिल्वर न्यू शेयर क्या बना,
5/7 मल्टीप्लाई 3/4, और कॉपर जो नया बंदा आ रहा है उसका शेयर कितना है 1/4। डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, 6/28, 8/28 सॉरी 15/28 और 7/28। तो न्यू रेशियो क्या आ गई इन तीनों की, न्यू पीएसआर इज गोल्ड सिल्वर कॉपर दैट इज 6:15:7। अब क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस गोल्ड का कितना है, ओल्ड है 2/7, न्यू है 6/28। तो ये आ गया 28, 4 × 8 - 6 दैट इज 2/28। और यहाँ पर निकाल लेंगे सिल्वर का 5/7 - 15/28, 28 और ये हो जाएगा तरफ 20 - 15 दैट इज ऑल्सो 5/28। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई इन दोनों की, गोल्ड और सिल्वर की, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 2:5। यहां तक कोई डाउट बच्चों, यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग निकल गया। अब हमने बोला भैया नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉप प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर, एक बार दूसरे एड से वो करना, एक बार मेरे को एंट्री दे दो। दे दिया मैंने, प्रीमियम फॉर गुडविल द अमाउंट इज 14,000 रुपीज की, क्वेश्चन में लिखा था 14,000 गुडविल लेके आए, तो यहाँ लिख देंगे गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, ये गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांट देंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू गोल्ड्स कैपिटल टू सिल्वर्स कैपिटल, 14,000 को बांट दो किस रेशियो में, 2:5 में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 × 14 और 2 × 8 8,000 एंड ज्यादा हो गया, 8,000 नहीं होगा, 4,000 और 10,000। क्वेश्चन खत्म, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सैक्रिफाइसिंग। बेटा पॉइंट समझ आया, भविष्य और चिराग आ गया सर, ये था तुम्हारा क्वेश्चन, इसको नोट करना, कर लो फटाफट से, थोड़ा छोटा कर दे तो जैसे एक स्क्रीन दिख जाए। डन बेटा, रुक जाओ सर, एक मिनट जल्दी करो।
कर लिया सर, पीडीएफ भेज देना फिर बाद में ही लिख लूंगा मैं, समझ ले रहा हूँ। ठीक है बेटा। हाँ सर पीडीएफ ही सेंड कर देना। ठीक है पीडीएफ भेज दूंगा, देखो ध्यान से। ठीक है ये 19 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कह रहा है विमल और निर्मल दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। एक नया पार्टनर कैलाश एडमिट हो रहा है। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश। मतलब विमल ने क्या किया, 1/5 शेयर दे दिया अपना और निर्मल ने 2/5 शेयर दे दिया अपना। और गुडविल जो है वो फॉर्म की बता रखी है कितनी, 75,000 रुपये। तो अब आपको सब काम करना है, तो क्या करेंगे, रेशो का 3:2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, विमल और निर्मल ओल्ड रेशो 3:2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे शेयर सरेंडर बाय विमल इन फेवर ऑफ कैलाश। उसने क्या बोला था, मैं अपने शेयर का 1/5 दे दूंगा, तो मतलब उसने 3/25 शेयर दे दिए। सर एक सेकंड, क्वेश्चन बोलना है। हाँ बेटा। सर इसमें लिखा हुआ है कैलाश ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश व्हिच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो भी गुडविल लेके आएगा वो बिजनेस में ही रहेगा, कोई घर लेके नहीं जा सकता। मतलब घर लेके नहीं, मतलब कि घर लेके नहीं जा रहा हूं। मतलब समझ नहीं आया। मतलब ये है, ये जैसे प्रीमियम किस में बट गया, इन दोनों में, इन दोनों में। क्या ये फॉर्म से विड्रॉ हुए हैं पैसे? हाँ हुए हैं। कहाँ हुए हैं? मतलब विड्रॉ नहीं हुए, अकाउंट में चले गए। हाँ तो बस यही मतलब है इसका, रिटेंड का मतलब। सर ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शेयर सरेंडर बाय निर्मल इन फेवर ऑफ कैलाश 2/5 × 2/5, क्योंकि उसने क्या बोला, मैं अपने शेयर का 2/5 दूंगा। तेरे को यहाँ पर क्या हो गया, 4/25। अब यहाँ पर निकाल दो, विमल न्यू शेयर, निर्मल न्यू शेयर, कैलाश न्यू शेयर। विमल कहता पहले मेरे पास 3/5 थे जिसमें से मैंने 3/25 दे दिए। निर्मल कहता पहले 2/5 थे जिसमें से मैंने 4/25 दे दिए। और कैलाश कहता मुझे 3/25 विमल से मिले और 4/25 निर्मल से मिले। सॉल्व कर दो, 25 + 10 − 4 = 7/25 / 12/25 / 6/25 / 7/25। रेशो क्या होगी विमल निर्मल और कैलाश की, 12:6:7। और अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करूं, ओल्ड माइनस न्यू, तो विमल का ओल्ड क्या है 2/3/5 और न्यू क्या है 12/25। इसको सॉल्व कर लो, 25 ये हो जाएगा तेरा 5/15 / 12 = 3/25। इधर निर्मल का निकाल लो, 2/5 − 6/25 इसका हो जाएगा 25 / 4/5। तो बेटा इन दोनों की रेशियो क्या बन गई, 3:7। कोई डाउट सर? एक बारी ऊपर करना थोड़ा। ऑफ ही शेयर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन हाँ ऑफ है ना, हाँ तो उसके शेयर का। ठीक है जी। ठीक है अब क्या करेंगे, 3:7 हो गया। आप पहले से बोला कैश लेके आ रहा है, तो भैया सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना गुडविल लेके कितनी आया कैलाश। तो हमने कहा कैलाश 75,000, कैलाश शेयर ऑफ गुडविल 75,000 × उसका शेयर 7/25। तो इसका मतलब वो 21,000 रुपए की गुडविल लाया। क्लियर सर? एक बार वो बता देना, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम जो कह रहे थे। किसको सॉल्व करके बताऊं बता? अच्छा देख, मान ले ये लिखा 1/5 और यहाँ लिखा 3/6, तो सॉल्व कैसे करेंगे?
सिक्स वन जा सिक्स, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, सिक्स फाइव जा थर्टी, और जो साइन होगा वो बाहर लगा दो। ठीक है, अरे जब मत करो सर, लिखने में काम आएगा। अरे फिर क्वेश्चन तो सॉल्व करने थे, फिर बाद में साइड में लिख दूंगा। ठीक, तो ये 21,000 रुपए का शेयर लेके आया, इसको बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना रुपए, 21,000 रुपए। कौन लाया, कैलाश, और यही प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दैट इज विमल और निर्मल इन विच रेशियो, 3:7, मतलब 10। तो 21,000 तो 6,300 इसको मिल जाएगा, और 14,700 इसको मिल जाएगा, टोटल 21,000। ये दो एंट्रियां इसके अंदर पास होगी। और तेरे लिए मैं साइड में वर्किंग नोट बना देता हूँ, वो वाला मान लेते हैं 2/5 - 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 6 = 5, 5 × 5 = 15, सर n का शेयर देखना, इसमें हमने 5×25 क्यों नहीं करा फिर बेटा, हमने ये किया ना सैक्रिफाइसिंग। नहीं नहीं, n के शेयर में जब एलसीएम लिया हमने तो 5×25 नहीं करा फिर बेटा, मैंने एलसीएम लेके कर दिया ना। अच्छा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वहां करता हूँ जहां मैं एलसीएम नहीं ले पाता हूँ। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। जपन बेटा इतनी लेट क्यों आई है? सर भूल गई थी क्लास में। चल ठीक है, देख ज्यादा लेट नहीं हुई, फिर भी ध्यान से देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, हम गुडविल के टॉपिक ही कर रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 22 करवा रहा हूँ, कह रहा है बी और सी दो पार्टनर है जिनकी रेशियो है 3:1, डी एडमिट हो रहा है फॉर्म में, और डी 15,000 रुपए का प्रीमियम दे रहा है। 15,000 का प्रीमियम का मतलब है गुडविल दे रहे हैं, और जो उसके 1/3 शेयर के बराबर है। क्लियर, और एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बी और सी कह रहे हैं फ्यूचर में हम सारे, बी और सी कह रहे हैं हम दोनों इक्वली प्रॉफिट लेंगे। क्या लेंगे? इक्वली प्रॉफिट लेंगे। बेटा समझना इस पॉइंट को, समझना, कभी भी क्वेश्चन में, यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या हो रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, ए और बी ओल्ड दे रखी है 3:1, ठीक है, ए भी है बी सी है, सॉरी बी सी, ओल्ड दे रखी है 3:1, और ये कह रहे हैं हम न्यू भी 1:1 लेंगे। ये बात समझ रहे हैं? तो जब भी ऐसे दोनों दे रखा, लेकिन न्यू तो डी का भी तो होना चाहिए था ना, दोबारा बताना सर, बी के शेयर हमें गिवन है 3:1 ओल्ड, ठीक है, न्यू का जो न्यू शेयर है न्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन बी और डी, बी और सी कह रहे हैं कि भाई फ्यूचर में ना हम दोनों बराबर बांट लेंगे, लेकिन डी का तो सिर्फ हमें यही पता है ना, 1/3 शेयर, 1/3 शेयर जो कि 15,000 का, हाँ 1/3 शेयर है, तो इसका मतलब हमें इसका शेयर कितना है वो नहीं पता। तो जब भी ऐसा होता, वी अज्यूम दैट दिस इज आवर ओल्ड रेशियो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट द टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर क्या बन जाएगा 1 - 1/3, इट मींस सर, हां बेटा बोल, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि जब बी और सी एग्री कर जाते हैं फर्म में कि प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करेंगे, तो आपकी ओल्ड रेशियो तो 3:1 हो जाती है। हां वही तो समझा रहा हूं मैं, लेकिन यहां पर ओल्ड रेशियो तो यही है ना, ओल्ड ये है, लेकिन ये कह रहे फ्यूचर में हम ओल्ड ये है, फ्यूचर ये है, ओल्ड ये है, फ्यूचर ये है, हां ओल्ड ये है, फ्यूचर ये है, लेकिन फ्यूचर तो तीनों का होना चाहिए था ना। हां भाई फ्यूचर तो बी सी डी तीनों का होना चाहिए था, इसने इन दोनों को बता दिया, इसका तो पता ही नहीं है। ठीक है,
तो हमने क्या मान लिया, हमने कहा चलो इसी के अकॉर्डिंग करके देखो, इसी को क्या मान लो तुम, ओल्ड मान लो। तो हमने कहा भैया एक में से अगर डी को वन थर्ड दे देंगे बचेगा टू थर्ड, और ये टू थर्ड इन दोनों में बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो बी का शेयर क्या बना, टू थर्ड का वन बाय टू, सी का क्या बना टू थर्ड का वन बाय टू, और डी का क्या बना वन थर्ड। काट के देख क्या आंसर आया, वन थर्ड वन थर्ड और वन थर्ड, मतलब वन इज टू वन इज टू वन। ये पॉइंट समझ आया जपमन की नहीं समझ आया? आ गया सर। भविष्य सर एक बार फिर से समझा दो, दोबारा समझा। जब कभी क्वेश्चन में हमें ओल्ड गिवन है न्यू गिवन है, टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन न्यू तो डी का पता ही नहीं ना कितना है, अगर इन तीनों का न्यू दे रखा होता तो मैं डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देता, लेकिन मुझे सिर्फ इन दोनों का फ्यूचर पता है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जहां पर दोनों की ओल्ड और दोनों की ही न्यू दे रखी है, तीसरे का न्यू का पता नहीं, तो हम न्यू को ही ओल्ड मान लेंगे, ठीक है। मतलब इसके अकॉर्डिंग पैसा बांटेंगे। तो लेट टोटल शेयर वन, रिमेनिंग कर दिया, फिर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेशियो आ गया 1:1। सर रिमेनिंग शेयर में 1-3, 1/3 क्यों माइनस करा आपने? 1/3 डी का शेयर है। अच्छा देखो मैं इसके ऊपर ना एक एग्जांपल करवाता हूँ, इस बारी वो क्वेश्चन कट चुका है। ए और बी का ओल्ड रेशियो है 2:3, क्लियर। ये कहते हैं भाई हम ना फ्यूचर में ना 3:2 के हिसाब से बांटेंगे, समझ आई मेरी बात? ठीक है। लेकिन सी एडमिट हो रहा है, सी कहता भाई मुझे तो 1/4 शेयर चाहिए, तो मतलब ए बी ये कहना चाहते हैं कि भाई मुझे सी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों की बीच की रेशियो ना 3:2 होनी चाहिए फ्यूचर में, समझा? ठीक है जी। तो हमने क्या कर लिया, लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर कितना 1 में से 1/4 पहले इसको दे दो, बचा 3/4। 3/4 इनटू 3/5 और 2/5। यस 3/5 इनटू 3/4, 2/5 इनटू 3/4 एंड सी इज 1/4। 9/20, 6/20 और 5/20, रेशियो बनी 9:6:5। तो बता ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में कैसा रेशियो बना, 3:2 बन गया ना, ठीक है। हाँ समझ आया भाई भविष्य? अब यस सर। तो बस हमने यहाँ पर ये कर दिया, अब उसने गुडविल 15,000 लेके आया, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 15,000 रुपए, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी एंड सी। अच्छा बी और सी की सैक्रिफाइसिंग भी निकालनी पड़ेगी, तो मैं सैक्रिफाइसिंग यहां निकाल रहा हूं। बी का ओल्ड कितना है 3/4 माइनस 1/3, लेकिन सैक्रिफाइसिंग के लिए तो ओल्ड ये रहेगा क्योंकि ये तो हमने अज्यूम किया था, क्लियर। ये हो गया 12, 9-4 दैट इज 5/12, और सी का क्या हो जाएगा 1/4 - 1/3, 3-4/12। देखो भैया ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नीचे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक और नेगेटिव आ रहा है। एग्जांपल मतलब करना नेक्स्ट पेज पे, एग्जांपल रब नहीं कर रहा मैं, इसको थोड़े से जगह साफ कर दूं। बी और सी ओल्ड है 3:1 और न्यू है 1:1, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या करा, बी का निकाल रहा हूं, ओल्ड कितना है बी का 3/4, न्यू कितना है बी का 1/3। ये हो गया तुम्हारा 9-4/12 दैट इज 5/12 सैक्रिफाइस। सी का निकाल रहा हूं, ओल्ड है 1/4, न्यू है 1/3,
मतलब 3 - 4 डिवाइड बाई 12 - 1/12, तो मतलब ये तो गेन आ गया, देख रहा हूँ ये तो गेन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बलिदान सिर्फ बी ने दिया, अच्छा तो अब सी तो सी भी पैसा देगा बी को, तो एंट्री क्या बन गई, पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 और यहां लिखेंगे सीज गुडविल, सीज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल, समझा मेरी बात? नो सर, दोबारा बताओ। दोबारा बता रहा बेटा, एक मिनट बेटा होल्ड करिए। हाँ बेटा ध्यान से सुन मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ सर, एक सेकंड सर, इसका मतलब यह है कि मतलब जब डी आया तो सी को लॉस हो गया तो सी के कैपिटल में से भी जाएगी पैसा। हाँ मतलब यह है, देखो पहली बात तो गुडविल बी और सी में क्यों बढ़ती थी, क्योंकि ये दोनों सैक्रिफाइस करते थे, क्लियर? ये बात है ना, मतलब सी को सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी ना। पहले मेरी बात को समझ, मैं क्या बोल रहा हूँ सारे बच्चे सुनना। हम प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते थे, मतलब जो लोग सैक्रिफाइस करेंगे उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर सैक्रिफाइस किसने किया? बी ने सैक्रिफाइस किया, और फायदा किस किस को हो रहा? सी को हुआ, डी को, सी को और डी को। तो डी तो अपना 15,000 पे ले आया, तो सी से भी तो मंगाएंगे पैसा, सी से भी तो पैसा मंगाएंगे। अच्छा तो सी कितना लगेगा ताकि बी को दे पाए? हाँ ताकि बी को दे पाए, तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि फॉर्म की गुडविल कितनी है। किसकी गुडविल? वो तो ऐसा आ जाएगी ना कि 15,000 तो 1/3 है, तो 3 बारी मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड, तो फॉर्म्स गुडविल इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई 3/1, दैट इज 45,000। हमने कहा टोटल 45,000 ही गुडविल है, जिसमें से 15,000 ये ले आया, तो सी से मंगाएंगे हम 1/12, तो 45,000 का 1/12 कर दो, 3,750 रुपए ये लेके आएगा, टोटल इसको दे देगा 18,750 रुपए। और इसका भी हिसाब अगर निकालेगा तो 45,000 का 5/12 निकाल के देख क्या आ रहा है, ये यही वैल्यू आएगी 18,750 रुपये। ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं समझ आया मुझे बताओ। जपमन पक्का? ओके। भविष्य भविष्य अरे गाय भी था वो, तुम देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 मुझे करके दिखाना, अभी जल्दी से स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 24। मैं एक सेकंड आ रहा हूं क्वेश्चन 24 पर।
डन बेटा कर रहे हैं जल्दी कर। हो गया सर, आ गया हम सर। चिराग डन बेटा हो गया सर। हाँ जपमन भविष्य सर, हम जब माइनस करेंगे ओल्ड में से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो वो उसमें न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे ना। हाँ ठीक, ओल्ड में से जो माइनस करेंगे वो जाएगा तेरा सेकंड वेजिंग। नहीं नहीं जैसे 5/8 है तो माइनस 1/10 करा तो न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट ही तो आएगा। तो हाँ 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 ठीक। बच्चों आगे बढ़ जाऊं? यस। देखो 23 तुम्हारा होमवर्क है एंड 24 इज आल्सो योर होमवर्क। 24 तो कर ले, 25 होमवर्क है तुम्हारा, 26 मैं करवा रहा हूं। ए और बी पार्टनर है इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस एंड इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। सी ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल, 10,000 goodwill. At the time of C admission, goodwill appear in the balance sheet of A and B at 3,000. बेटा यहाँ पर क्या word लिखा है? Appeared word दिख गया? हाँ दिख गया। और new profit sharing ratio भी बता दिया 5:3:2, क्योंकि सर बहुत आसान कर दिया काम, लेकिन इसमें नया concept है देखेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ, कभी भी question में अगर लिखा हो कि goodwill ऑलरेडी या फिर ऑलरेडी अपेयर्ड या फिर अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये लाइन लिखी हो तो समझ जाना हमें इसको राइट ऑफ करना होता है। एंट्री क्या होती हमारी? ऑल ओल्ड पार्टनर या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन विच रेशियो, किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड, ओल्ड में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो में कर देंगे, कहानी खत्म। तो इस क्वेश्चन में पहली एंट्री क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इसको 3000 को 3:2 में राइट ऑफ कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800-1200 टू गुडविल, दैट इज 1800 एंड 1200, 3000। अब वो कह रहा है कि नया पार्टनर कैपिटल लाया है 30,000 की, गुडविल लाया है 10,000 रुपए का। मैंने यहाँ पर क्या लिखा?
बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 30,000 रुपए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपए, मेरा कंबाइन एंट्री पास टोटल वो 40,000 रुपए लगा। कोई डाउट? तीसरी एंट्री क्या होगी? इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ए बी, ए की ए का निकालो और बी का निकालो। ए का ओल्ड है 3/5 और न्यू है 5/10। 3/5, 5/10, और इसका ओल्ड है 2/5 और न्यू है 3/10। सॉल्व कर दो, 10, 1/10, 10, 1/10, तो 1:1 रेशो बन गई। तो 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों में, 5,000 और 5। एनी डाउट बच्चों? सर हमने माइनस करके ये क्यों निकाला 1:1? बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने के लिए। ठीक है ठीक, यहां तक कोई डाउट? देखो बेटा नेक्स्ट, अनु और भगवान, भगवान दो पार्टनर 3:1, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड है, न्यू रेशियो बता दी है, राजा इतनी कैपिटल लाया है और कह रहा है नेसेसरी कैश फॉर इस गुडविल लेके आया। फॉर्म की गुडविल कितनी है? 25,250,000 रुपए। बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है, आगे बढ़ू? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, मैंने एंट्री कैसे कराई थी कल? व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल बाय न्यू पार्टनर इन काइंड, क्या करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और वही प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस। कोई दिक्कत? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब एसेट लेके आएगा तब ये एंट्री पास करेंगे, बस कैश और बैंक की जगह पर हम क्या लिख देंगे? एसेट लिख देंगे। तो आगे बढ़ते फटाफट से, पहला राम मोहन आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और सोहन 1/4 के लिए आ रहा है, और एसेट क्या लाया? कैपिटल और गुडविल के लिए वो टोटल इतना एसेट लेके आया। फॉर्म की गुडविल कितनी है? 6,00,000 रुपए। तो फटाफट शुरू करते हैं, राम मोहन और सोहन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 28। राम मोहन रेशो क्या है इनकी? 3:2। सोहन एडमिटेड, तो लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, दैट इज 3/4। राम का शेयर 3/5 × 3/4, मोहन का 2/5 × 3/4, सोहन का 1/4, ये हो जाएगा 9/20, ये हो जाएगा 6/20 और ये हो जाएगा 5/20। तो न्यू रेशियो क्या आ गई? 9:6:5। अब क्या निकाल लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो तुम खुद निकाल लेना। इसका आंसर होगा 3:2। क्लियर? फर्स्ट टाइम। फिर निकालेंगे हम शेयर ऑफ गुडविल, कितना होगा? फॉर्म की गुडविल कितनी है क्वेश्चन में चेक करो, दैट इज
6 लाख, तो 6 लाख का न्यू रेशियो में क्या इसका 5/20, 5/20, ये कितना हो गया 5/20, अगर शेयर लेके आता है वो तो ये तेरा हो गया 15,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए उसका शेयर ऑफ गुडविल है। तो अब क्या करेंगे, कह रहा कैपिटल भी लेके आया वो अपनी, बेटा गुडविल का कितना पैसा चाहिए मुझे जपमन, 1.5 लाख रुपए, स्टॉक 60,000, फटाफट शुरू हो जाओ, स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, डेटर अकाउंट डेबिट 80,000, लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्लांटर मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000, टोटल कितना हुआ, टोटल करो इसको, 60,000, 80,000, 1 लाख और 40,000, टोटल हो गया 2,80,000, जिसमें से कैपिटल 1.5 लाख है, तो 2,00,000 कैपिटल लिख देंगे कितना, माइनस करके 2,80,000 में से 1.5 लाख माइनस कर दो, तो शायद ये 1,30,000 कैपिटल के लिए लेके आया और बाकी प्रीमियम फॉर गुडविल आया 1.5 लाख। क्लियर बच्चों? सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कौन कौन है, राम और मोहन, तो कितना अमाउंट है 1.5 लाख को बांट देंगे दोनों की रेशो में, 3/5, 30, 90 और 60,000, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। तीसरी एंट्री कर रहा हूं क्वेश्चन में, देखो आगे क्या लिखा है, दो केस है, कह रहा है पहले में विड्रॉ नहीं कर रहा, बाद में विड्रॉ भी कर रहा है आधा, आधा कौन, तीनों पार्टनर विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, तो मतलब गुडविल मिला तो इन दोनों को ही है ना, तो केस टू में क्या होगा, केस टू में फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री विल बी सेम, थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, पैसे निकालने की लिख दो, तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, RM टू बैंक डेबिट, डेबिट कितना 90 का आधा 30, 60 का आधा सॉरी 90 का आधा 45 और 60 का आधा 30, टोटल 75,000। डन बच्चों? ओके सर। समझ आया बेटा कि नहीं समझ आया जपमन? Yes, sir. ये था विड्रॉ वाला केस, जब वो विड्रॉ कर लेता, मतलब किस केस में उसने रिटेन्ड नहीं किए। आगे जपमन, भविष्य, चिराग, yes, ओके। बेटा एक सेकंड होल्ड करो,
बेटा अनन्या तुम गलत फोल्डर चेक कर रहे हो बेटा, बेटा रिकॉर्डिंग वाला फोल्डर चेक कर, ये नोट्स वाला है। डन बच्चों? हाँ जी। ओके, यहाँ पर हमारा दूसरा केस भी खत्म हो गया, जब वो गुडविल काइंड में लेके आता है। क्लियर? अगला केस क्या है? When premium for goodwill is brought in by new or incoming partner and is withdrawn old partner by wholly or full partly, अभी वाला केस, कौन से वाला? उसने कहा जो भी गुडविल लेके आया वो पैसा निकाल के लेके जा रहा, समझ आ गई मेरी बात? मतलब सेम ही होगा एक, हाँ बस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता देता हूँ। मान लेते हैं कि नया पार्टनर गुडविल लेके आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मान लेते हैं निकाला ना, कुछ अमाउंट निकाला, मान लेते हैं 1,00,000 रुपए लेके आया एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया डेबिट, किसमें बांट दिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मान लेते हैं ए और बी में बांट देते, ये एग्जांपल है, ऐसे उठा लिया मैंने, रैंडम फिगर है, 60 और 40 के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर दो केस बना रहा हूँ, तीसरा केस, मैंने कहा भाई उन लोगों ने आधा पूरा निकाल लिया, पूरा का पूरा फुल्ली, यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी टू कैश बैंक, कितना, 60 और 40, कोई डाउट, पूरा निकाल लिया, यहां लिख देता हूँ होली विड्रॉ। एक और केस, ए बी टू बैंक, मान लेते आधा आधा निकाल लिया, तो 30 और 20, 50,000 पार्टली विड्रॉ, समझ आ गया बेटा मेरी बात? बस बेटा यही है दो क्वेश्चन, तो ये दोनों ही आपके होमवर्क है, ये मैं करवा दूंगा, ठीक है। समझ आ गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सर आज यहाँ तक ही रहने दो, मेरे को पीछे का भी कवर करना है अभी। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 to 30 क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। अगली क्लास में गुडविल खत्म हो जाएगा, रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे फिर। सर रिवॉल्यूशन में रिवॉल्यूशन अकाउंट वगैरह बनेगा? इसमें भी बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे पहले सीखा हमने। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, पहले गुडविल समझ लो अच्छी तरह से, गुडविल बड़ी दिक्कत देता है बच्चों को, तो 19 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देना। हाँ बेटा मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, पिछली क्लास में रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ समझा दिया सारा कुछ, मैंने पिछली क्लास ज्यादा लंबी ली नहीं थी, दूसरे मैंने केसेस लिखवाए थे, तो ये इसी में समझता चला जाए, समझ आ जाएगा, बाकी ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ। ओके सर, ओके सर। और जो ये